तो गाय रक्षा की बात करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, रक्षा बिल्कुल, की बात गाय मुसलमान को गाय अपना चाहिए गाय रक्षा करना यू नो दैट दिस इज ऑल्सो अ कॉन्ट्रोवर्शियल थिंग जब देखिए अभी कुछ लोग को पता नहीं हुआ मैडम मोहम्मद साहब ने गाय के दूध की तारीफ की थी कि ये बहुत ही यूज़फुल होता है और गाय तो प्रोटेक्शन के लिए बिल्कुल सही अगर कि या फिर इट इज बिकॉज इट इज न्यूट्रिशियस इसलिए आप कह रहे हैं गाय कर बिल्कुल मैडम देखिए मेरा तो मानना है देखिए 80 परसेंट भले ही लोग मुझे फंडामेंटलिस्ट या कहें या कुछ भी कहें मेरा मानना देखिए मैडम ये अस्सी परसेंट हिंदुओं का देश है हिंदू किसी जीव को अपना गाय माँ कह रहे हैं माँ कह रहे हैं जैसे हम किसी को माँ कहते हैं तो संसार में सब चीज़ें छोटी हो जाती हैं माँ के सामने अगर बेचारे हिंदू गाय को अपनी माँ कह रहे हैं तो क्या हम इतनी खाने चीज की चीज़ें हैं हमारे पास क्या हम हिंदू भाइयों के लिए माँ की रक्षा नहीं कर सकते मेरा पर्सनल ये है कि मैं तो वो माँ मानते मैं भी माँ मानता हूँ गाय को और जब गाय को मैं माँ कह रहा हूँ तो इस्लाम मुझे नहीं रोकता कि आप माँ नहीं कह सकते उसको मैंने कहीं नहीं लिखा हुआ है हाँ मैं भगवान नहीं मान सकता ये मेरा इस्लाम कह कहता है लेकिन यदि गाय को मैं भी अपना मां मानूँ तो इस्लाम कहीं नहीं रोकता है हिंदू भाई हमारे भाई हैं उनके साथ हम सुबह शाम तक रहते हैं उनकी मां की हम रक्षा करें गाय घरों में पाले हमको दूध देगी बछड़े आएंगे इकोनॉमिकली फाइनेंशली भी होगा और कहीं ना कहीं हम एक अपने जो मेजॉरिटी संख्या में हमारे बेचारे सहनशील कम्युनिटी है हिंदुओं की उनके प्रति सम्मान का भाव होता है इसलिए मैंने कहा था मैडम कि आप बिल्कुल रखिए गाय पालिए रक्षा करिए और यदि कोई गाय को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो आप इन्फॉर्मर रक्षक बनिए पुलिस को इन्फॉर्म कर दीजिए हिंदुज़म के बारे में भी पढ़ा है आपने इस्लाम के बारे में भी पढ़ा है आप किताबें भी लिखते हैं तो आपने ये पढ़ा होगा और आपने देखा भी होगा कि महाराष्ट्र सद में हाल ही में कंट्रोवर्सी उठी थी कि वेर वन लेजिस्लेटर सेड कि हम वंदे मातरम नहीं कह सकते क्योंकि हमारा मजहब हमें इजाजत नहीं देता कि हम सिर झुकाएं किसी के सामने तो वंदे मातरम नहीं उन्होंने ये तक कहा कि हम अपनी माँ के सामने भी नहीं अपना सिर झुकाते आप क्या समझते हैं मजहब और नेशनहुड क्या यह कॉन्फ्लिक्ट में आ गया यहां पर रिलीजन के अंदर हमको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा हम जो चीज़ किताब में पढ़ ली है उसको समय के साथ फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा कैथोलिक भी थोड़ा फ्लेक्सिबल हुए पोस्टेशन पूरी तरह से फ्लेक्सिबल हुए हैं हिंदूज़ के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है मुस्लिम्स के अंदर हमने एक लाइन पकड़ ली है जिसपे और यही कारण है कि आज दो अरब आबादी नंबर एक दुनिया में होने जा रहा है क्रिश्चन के बाद बहुत जल्दी इस्लाम दुनिया में नंबर एक हो जाएगा रिलीजन मैडम अगर हम फ्लेक्सिबल नहीं होंगे समय के साथ साथ और हम रिजिडिटी को लेकर के सर्वाइव नहीं कर पाएंगे मैडम और समय के साथ हम पिछड़ जाएंगे जब इस जो वंदे मातरम बोल आज की बात नहीं मैडम ये कई बार ऐसी आपत्तियाँ हुई कि हम लोग नहीं गाएंगे वंदे मातरम ये तो बहुत दिनों से होता रहा है मेरा मानना ये है मैडम कि देखिए जब मेरे पास नेशन रहेगा जमीन तो माँ है हमारी माँ तो है ही हमारी उसके गोद में हम पलते हैं जन्म लेते हैं वहीं खेलते कूदते हैं तो ज़मीन तो क्यों नहीं हमारी माँ है अगर मैं कहता हूँ जमीन मेरी माँ है मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं अब अल्लाह नहीं है अब जमीन ही मेरा भगवान मत भगवान नहीं कहा मैंने उसको जमीन को बनना लेकिन पल उसी गोद में रहो तो माँ तो पालती है लेकिन जब माँ किसी को मालती है तो माँ माँ के ऊपर ही भगवान रहता है तो यहां पे बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर है मैडम कि जिस धरती पे हम रह रहे हैं वो देश हमारा वो माँ है हमको वो पालता है हमको संरक्षण देता है हमको सम्मान देता है जाकर के और इसलिए अगर इसको हम रिलीजन से कदापि नहीं जोड़ सकते हैं। लेकिन हमको देखिए आज हमारी आबादी इतनी है मैडम हमको हर तरह की फ्रीडम इस्लाम मानने के लिए अगर हम जा चले जाएँ सऊदी अरब के अंदर तो हमें बहुत सी फ्रीडम हिंदुओं को वहाँ पर नहीं है भी नहीं मैडम बहुत सी फ्रीडम आपको नहीं है वहाँ हिंदू ट्रेडिशन या कल्चर या रिचुअल्स अपने वहाँ पर नहीं कर पाएंगे अस्सी परसेंट हिंदू होकर भी आपको सब तरह की छूट दी गई है हर तरह सम्मान हिंदू भाई मुसलमानों के त्यौहार में शामिल होते हैं हमको भी दिल बड़ा करना पड़ेगा कि उनकी फीलिंग्स जहाँ उनके जो आदर्श से बड़े उनको हमको सम्मान करना पड़ेगा मैडम